फ्रेंड्स, हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब एक नई ऊर्जा के साथ एक नया लक्ष्य तय करता है। आज भारत भी एक ऐसे ही टाइम पीरियड से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही हमने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और हमने संकल्प लिया है, मोदी ने नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं और हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आप जानते हैं कि आज पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्या हालत है, इन सब के बीच भारत आज 7% से अधिक से भी ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, आज भारत में रिफॉर्म्स का एक अभूतपूर्व दौर चल रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड के आप लोग जानते हैं कि हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, लेकिन आज भारत ये भी करके दिखा रहा है। हम फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए कैपेक्स में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है और एफडीआई का नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल में ही अमेरिकी कंपनियों ने $16 बिलियन से ज्यादा भारत में निवेश किए हैं। फ्रेंड्स, भारत की सफलता का आधार, भारत के विकास की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स भारत के लोगों का एस्पिरेशन है। ये अमेरिकन ड्रीम से बहुत अलग नहीं है। आज भारत की जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का शेयर 1.5 दशक में सबसे अधिक हो गया है और जिस बात को लेकर हम सबको समाधान होगा वो है भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म होती चली जा रही है। भारत में
न्यू मिडिल क्लास एक ऐसा ब्लॉक है जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। भारत के लोगों की यही एस्पिरेशन, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सबसे अहम दूरी बनने जा रहा है। इस बहुत बड़े वर्ग की आकांक्षा पूरी करने के लिए भारत जो कर रहा है, उसने अमेरिका के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब जैसे भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है, भारत का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, हमारा पैसेंजर्स ग्रोथ नया रिकॉर्ड बना रही है। इस डिमांड की पूर्ति के लिए भारत के एयरलाइंस कंपनियां सैकड़ों एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रही है और इसका लाभ, जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी कहा, इसका लाभ यहां अमेरिका की कंपनियों को हो रहा है, यहां भी जॉब्स क्रिएट हो रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को मेरी इस विजिट में एक नई ऊंचाई मिली है। कल जब मैंने कांग्रेस में इस बारे में बात की थी तो पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ये स्वागत हो रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन की दीर्घदृष्टि, फोरसाइटनेस, पूरा सदन उछल उछल करके बधाई दे रहा था कल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।